हेलो चार्टर्ड्स, क्या हाल चाल। माय नेम इज सीए काटिक एंड ये है आपका थर्ड लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। यस, हमने सेकंड लेक्चर में जो देखा था वो देखा था ये अलग अलग टाइप की ओपिनियंस। लास्ट जो टॉपिक था अपना, यस, ये हमने अलग अलग टाइप की ओपिनियंस देखी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये चार टाइप की ओपिनियंस हो सकती हैं, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। बहुत टिक्के लगे है ना। हाँ, जुकाम भी हो गया मुझे। हाँ, चुके चुके चुके, आ जाओ आगे आ जाओ। सो ये चार टाइप की आपकी ओपिनियंस हमने देखी थी आपकी लास्ट क्लास में। इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ा आगे और चीज़ें बताता हूँ। देखो, अब आप जो है बच्चा, आप क्या करते हो, आप ये ओपिनियन जो देते हो, ठीक है, इसमें आप लिखते हो साफ साफ कि भाई इसमें गलतियां हैं या नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, कि भाई आपकी जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसको मैंने ऑडिट किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। या तो आप ऐसा लिखते हो, ठीक है, या फिर आप लिखते हो कि इसमें ये गलतियां हैं दो या तीन, या फिर आप लिखते हो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, एडवर्स ओपिनियन देते हो, या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हो, व्हाट्सो एवर। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप एक तरह का विश्वास पैदा कर रहे हो सामने वाले में। एग्जैक्टली, आप एक तरह से उसको आप उसको एक तरह से कि एश्योरेंस दे रहे हो। यस, आप उसको एश्योर कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। आपने एश्योरेंस दिया एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यस, एश्योरेंस, ये वर्ड याद करना है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एश्योरेंस दिया है आपने यहाँ पे। अब ये जो एश्योरेंस है बच्चा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये आप बिल्कुल 100% वाला एश्योरेंस दोगे कि हाँ भाई साहब, मैं आपको पक्की पक्की गारंटी देता हूं लिख के कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है? आप 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। आपको पता है, डॉक्टर भी जो होता है, जिसकी रिपोर्ट्स जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन द व्हाट यू कॉल, ऑन द टेस्ट, जो भी आपके वो ब्लड पर टेस्ट होता है, बाकी चीजें होती है, व्हाटएवर। आपको जो डॉक्टर भी ओपिनियन देता है भाई साहब, वो भी 100% एश्योरेंस के साथ नहीं होता। यस, एंड द रीजन इज कि कुछ ना कुछ चांस हमेशा रह जाता है जिसकी वजह से वो गलती कर सकता है। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ चांस हमेशा ऐसे ही आपके प्रोफेशन में भी रहेगा। आपका प्रोफेशन उससे कहीं ज्यादा सब्जेक्टिव है, कहीं ज्यादा व्हाट यू कॉल ओपिनियन बेस्ड है, कि भाई अपनी अपनी चला रहे हैं लोग उस सेंस में। हाँ, अकाउंटिंग कहीं ज्यादा वेग है कंपेयर टू जो डॉक्टर्स की जो लैब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, ठीक है। सो आप तो बिल्कुल भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते कहीं पे। 100% एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गिव। यस, इन योर ओपिनियन आप कैसे देते हो फिर? आप देते हो उसको रीजनेबल एश्योरेंस। हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस देते हो आप। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आया। अब ये क्या होता है, ये भाई साहब कुछ नहीं होता, ये जो है, अच्छा ये 100% है ना, 100% को हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है। इसको हम बुलाते हैं रीजनेबल एश्योरेंस को, मतलब इसका डेफिनेशन जो है दैट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ये हाई लेवल की होती है। हाँ, हाई लेवल की तो दोगे, क्योंकि भाई साहब तुम सीए हो एंड तुम्हें अकाउंटिंग का ABCD A to Z पता है। यस, तो ठीक है, तुम एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, लेकिन हाई लेवल की तो दोगे। यस, सो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट लेस देन 100%। एग्जैक्टली, समझ आया। सो ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस हो गई बट लेस देन 100% हो गई। अच्छा, ऐसे ही एक होता है आपका लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस हम कहते हैं इसको। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई साहब, इसका मतलब आप ऐसा लगा के चलो कि 50% से ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 50% से लेस बोल दिया, आपने बोला लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसका मतलब लो लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं है। लो लेवल ऑफ एश्योरेंस तो देना भाई साहब गाली है गाली। आप लो लेवल ऑफ एश्योरेंस दोगे तो कौन दे सकता हाई लेवल? यस, सो लो लेवल ऑफ एश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है, समझ आता है।
सो ये जो है लिमिटेड एश्योरेंस जो है दैट इज ऑफकोर्स हायर देन द लो लेवल ऑफ एश्योरेंस. हाँ सो ये जो है आप कह सकते हो लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस मतलब अराउंड 50% कि भाई मैं ना मैं आपको हाई लेवल भी नहीं देता, मैं आपको लो लेवल भी नहीं देता, मैं आपको बीच में दे देता हूँ लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, जिसमें मैं कहता हूँ कि हाँ भाई जितने फैक्ट्स मैंने चेक किए ना, जो चीज़ें मैंने चेक की उसके हिसाब से इसने सही किया है. हाँ जितनी चीज़ें जो फैक्ट्स मैंने चेक की उसमें एटलीस्ट मुझे कोई गलती नहीं मिली. एग्जैक्टली. जबकि इसमें आप क्या कहते हो रीजनेबल में, इसमें आप कहते हो कि भाई साहब जो मैंने चेक किया उसके बेसिस पे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, आपने उसकी फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे दी. लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस में क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब है कि जो मैंने चेक किया एटलीस्ट उसमें मुझे कोई गलती नहीं मिली. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. सो आप ये दो टाइप की एश्योरेंस देते हो. एग्जैक्टली. अब ये जो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है बट लेस देन 100%, ये देते हो आप अपने ऑडिट्स में. ये देते हो आप अपने ऑडिट्स में. जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट मेडिकल कौन सा है आपके इस सीए इंटर में, वो है ऑडिट. सो आप ऑडिटिंग में जिस लेवल की एश्योरेंस देते हो वो होता है रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस. जो आपका ये सब्जेक्ट है. एंड एक और आप काम कर सकते हो, एक काम होता है जिसको बोला जाता है रिव्यू एंगेजमेंट्स. रिव्यू एंगेजमेंट्स. अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लिमिटेड लेवल पे रिव्यू करते हो. आप जो है ना, आपके पास सबके सब फैक्ट्स अवेलेबल होते नहीं, आपके पास लिमिटेड जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप उसके बेसिस पे रिव्यू कर देते हो. एंड क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपने अपना काम किया है. हाँ मैं बताऊंगा इसका एग्जाम्पल, अभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अभी बस समझो. तो ये रिव्यू एंगेजमेंट जो होते हैं, हाँ जो आपने उसके लिमिटेड एश्योरेंस के लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो आपने काम किया उसके बेसिस पे आप हाई लेवल तो दे नहीं सकते एश्योरेंस, तो आपने लिमिटेड लेवल दे दी. ओके आगे आता है. अब एक बात बताओ, आपका यहां पे जो लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो आपका ऑडिट जो होता है वो होता है फुल ईयर वाला, जो ऑडिट होता है कंप्लीट ईयर का जो ऑडिट होता है उस पे हम कभी भी ये वाली एश्योरेंस नहीं दे सकते, हम उस पे हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देंगे. समझ आता है, ठीक है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपकी लिस्टेड कंपनीज होती हैं जैसे, उसमें जो होता है उसमें आपका क्वार्टरली भी वो कंपनीज अपने फाइनेंशियल्स पब्लिश करती है. फाइनेंशियल्स पब्लिश्ड. सो आप देखोगे, आप है ना, आप क्या कीजिए, आप इन्फोसिस की वेबसाइट पे जाइए या फिर आप जो है किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, रिलायंस की वेबसाइट पे जाइए, आप जो क्वार्टर के किसी बीच में कहीं ना कहीं पे उसकी बुक्स देखना चाहोगे, आप इन्वेस्टर्स रिलेशन पे जाना एंड वहां पे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, तो उसमें आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे. तो वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है उस पे भी ठप्पा होता है ऑडिटर का, वो ऐसे खुद से पब्लिश नहीं कर सकता कुछ भी. उसको ऑडिटर ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे रिव्यू किया होता है. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है पहली बात, उसके पास इंफॉर्मेशन भी उस लेवल पे बहुत कम होती है मिडिल ऑफ द ईयर में. सो उस लेवल पे वो कभी भी जो है ना आपको फुल फ्लेज एश्योरेंस नहीं दे पाता, ये रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस. वो आपको जब क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को ऑडिट करता है तो वो हमेशा लिमिटेड इस लेवल की एश्योरेंस देता है. एंड उसी को बोला जाता है, LR. आप देखोगे, आप जब ऑफिसेज में जाओगे जहां पे आपका लिस्टेड क्लाइंट होगा, जिसका आप ऑडिट करने, जिसके ऑडिट करने के लिए आपको भेजा जाएगा, तो उसमें एक टर्म आप देखोगे लिमिटेड रिव्यू बोल के. उसको ये बोला जाता है. एंड वो यही होती है, वो है ना ये रिव्यू एंगेजमेंट्स होते हैं. दैट्स ऑल श्योरेंस. हाँ जी, दैट्स द पॉइंट जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता था. वापस से मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. एक नई चीज आप सीखी आज आपने, क्या होता है कि ओपिनियन जो होती है आपकी, यहां पे जो आपने ओपिनियन दिया, ठीक है, किसी भी आपने ओपिनियन दी, आपने उसको एक तरह की एश्योरेंस दी है. आपने एक तरह से उसको एक विश्वास मतलब जताया है.
अब ये एश्योरेंस जो है कभी भी 100% नहीं हो सकती। 100% डॉक्टर भी नहीं दे सकता तो आप कैसे दोगे? ठीक है, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस हो सकती है ये। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल बट लेस देन 100%। ओके, एंड आप जो है एक लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकते हो कुछ स्पेसिफिक एंगेजमेंट में। ऐसा नहीं है, अब देखो बात सुनो, ऐसा नहीं है कि आप जो फुल फ्लेज ऑडिट आपका होगा उसमें आप लिमिटेड एश्योरेंस दे के कर लो साइड में। नहीं, उसमें आपको रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस ही देनी होगी। सो लिमिटेड एश्योरेंस आईसीए ने डिफाइन किया हुआ है कि किस किस केस में आप लिमिटेड एश्योरेंस दे सकते हो, वो किस में दे सकते हो। वो आप दे सकते हो इस टाइप के एंगेजमेंट्स में जिसमें आप रिव्यू करते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, एंड उसका एक एग्जाम्पल जो आता है वो आता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिश होते हैं लिस्टेड कंपनीज के, उसमें आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको उसको पब्लिश करना होता है। सो उसमें आप LR करते हो, लिमिटेड रिव्यू करते हो, जिसमें आप लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हो। यस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एक और जो इसका नाम है। सो ये दो टाइप की आप एश्योरेंसेस दे सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है, ये वाली रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट में दी जाती है, आपका ये जो सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पे हमेशा। एंड आप लो लेवल ऑफ एश्योरेंस भी नहीं दे सकते। सो आई होप आपको यहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ एश्योरेंस समझ आए। अगर ये समझ आया है तो हम आते हैं आगे। आगे हम किस पे आएंगे? देखो, इसके बेसिस पे समझा कि आप अलग अलग टाइप के एंगेजमेंट्स कर सकते हो। दो तो आपको मैंने यही बता दिए, ऑडिट हो गया, एक रिव्यू एंगेजमेंट हो गया। एग्जैक्टली, ऐसे ही आपके और भी टाइप के एंगेजमेंट्स होते हैं। मैं आपको बता के चलता हूँ कि आप एज ए सीए क्या क्या काम कर सकते हो इस ऑडिट या एश्योरेंस के फील्ड में। आ जाओ। सो बच्चा, आप जो है ये अलग अलग टाइप के काम कर सकते हो। आप एक तो दे सकते हो एश्योरेंस सर्विसेज, जिसमें आप विश्वास दिलाते हो किसी किसी थर्ड पार्टी को, कह लो, ठीक है, या किसी जो बंदा डायरेक्टली उस मैनेजमेंट का ही पार्ट ना हो। आपने मैनेजमेंट के लिए काम नहीं किया, आपने डायरेक्टली उस कंपनी के लिए काम नहीं किया, आपने किसी ऐसे बंदे के लिए काम किया जो उस कंपनी में इंटरेस्टेड है, जिसका उसमें स्टेक है। जब आप किसी को एश्योरेंस देते हो थर्ड पार्टी को, तो उन सबको बोला जाता है एश्योरेंस सर्विसेज। ओके, एंड जब आप किसी को, किसी थर्ड पार्टी को एश्योरेंस कोई नहीं देते, तो उन सबको बोला जाता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, घुट के पी जाना है इसको। ये जो टॉपिक है जो हम अभी हमने अभी लिया है, जो अभी हम करने वाले हैं, ये टॉपिक आपको बच्चा एक तो MCQs की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं वो, एक आपको पूछ सकते हैं वो ये ट्रू एंड फॉल्स की क्वेश्चन की फॉर्म में भी, TNF। एक आपको अलग से भी, क्या पता भाई साहब कुछ नहीं बताया जाएगा सही में, आपको क्या पता अलग से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, जिसपे वो आपको 4 या 5 क्लासेस दे देंगे, पूछे आप बताओ कि किस किस में फॉल होता है। सो ये टॉपिक बहुत ध्यान से देख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आ जाओ आगे, आ जाओ। सो एक होता है एश्योरेंस, एक होता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। यस, एश्योरेंस सर्विसेज जो आपने दी बच्चा, या तो हो सकती हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एश्योरेंस सर्विसेज या तो हो सकती हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, या फिर हो सकती हैं वो अदर अदर्स पे। बाकी चीज़ें भी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, जिसमें आप एक्सपर्ट हो तो आप उसमें भी एश्योरेंस दे सकते हो, उसमें भी आप एक तरह से विश्वास जता सकते हो थर्ड पार्टी को। समझ आता है? अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये जो है एक सीए के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तो हो सकती है हिस्टोरिकल, पास्ट वाली जो बन चुकी है बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। ओके, एक हो सकती है प्रोजेक्टेड, फ्यूचर वाली। तो यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी नहीं। यस, सो यहां पे मैं इसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लिख दूंगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इसको मैं नीचे से काट देता हूं। अच्छा, तो साहब ये जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये किस में फॉलो होंगी? ये अदर्स में फॉलो हो जाएंगी सीधा सीधा। बच्चा देखो, हिस्टोरिकल हो गई, एक अदर्स हो गई। सो बेसिकली एनीथिंग व्हिच इज नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड फॉलोइंग अदर्स। जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्या था? प्रोजेक्टेड
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे ही आपका इंटरनल कंट्रोल्स का टॉपिक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें फॉल हो सकती हैं, जो इसमें नहीं होती। बेसिकली जो जो चीज़ें ये नहीं है वो ये है। समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है। अब थोड़ा आगे आते हैं। तो मैंने क्या कहा, आप ये जो एश्योरेंस है ये दे सकते हो इन दोनों चीज़ों पे। ओके, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने एश्योरेंस दी, ये भी या तो आप दे सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, आप बताना मुझे, आप दे सकते हो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, दे सकते हो क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस? आप ये नहीं दे सकते। यस, आपको पहले बताया था कि आप कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। आप इस पे दे सकते हो रीजनेबल एश्योरेंस, जी हाँ आप इस पे दे सकते हो रीजनेबल एश्योरेंस। जो ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं जिसमें आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, मैंने आपको बताया था अभी अभी, वो कौन से टाइप के एंगेजमेंट्स होते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ बताया था मैंने आपको, जहाँ पे आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो वो कौन से टाइप के एंगेजमेंट्स होते हैं, ऑडिट। सो यहाँ पे जिस जिसमें आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो उनको हम बोलते हैं ऑडिट, ठीक है। ऐसे ही आपके होते हैं एक एक आपके होते हैं जिसमें आप लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हो, लिमिटेड एश्योरेंस। एंड उन एंगेजमेंट्स को आप क्या बोलते हो भाई साहब, उन एंगेजमेंट्स को आप बोलते हो जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस्ड होते हैं, उनको आप बोलते हो रिव्यू एंगेजमेंट्स। यही वर्ड है ना जो हमने ऊपर पढ़ा था, यस। अब बात आती है बाकी चीज़ों को लेके। अगर मैं एश्योरेंस देता हूँ अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इंटरनल कंट्रोल्स, तो मैं किस लेवल के एश्योरेंस दे सकता हूँ? तब मैं केवल और केवल आई कैन ओनली गिव लिमिटेड एश्योरेंस। क्योंकि अच्छा यहाँ पे आईसीए ने ऐसा क्यों किया, आप यहाँ पे रीजनेबल नहीं दे सकते? सर कैन आई गिव रीजनेबल एश्योरेंस? आंसर इज नो भाई साहब, आईसीए ने आपको साफ साफ मना कर दिया। आईसीए ने कहा कि आप जो है, आप मेन एक्सपर्ट किस चीज के हो, अकाउंटिंग के हो ना, एग्जैक्टली ये जो बाकी चीजें हैं इसके आपको मैं एक्सपर्ट नहीं मानता, सीधी सीधी बात है भाई साहब। हाँ मतलब आपको मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हमने दी है अपने सब्जेक्ट्स की फॉर्म में, बट मैं नहीं मानता कि आप जो है इसके मेन बंदे हो। तो आप इस पे कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते। आप इस पे हमेशा कैसी दोगे, लिमिटेड एश्योरेंस, मतलब कि आप मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दोगे ऑफ एश्योरेंस, हाँ ठीक है। एंड इन एंगेजमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, जैसे इसका नाम दिया हमने, इसको हमने नाम दिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अदर एश्योरेंस सर्विसेज। एग्जैक्टली, समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है। सो ये हो गए आपके अलग अलग टाइप के एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। एक हो गया ऑडिट, एक हो गया रिव्यू एंगेजमेंट, एक हो गया आपका अदर एश्योरेंस सर्विसेज। ऐसे ही आपका, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, एक था एश्योरेंस, एक था नॉन एश्योरेंस भी तो था ना, एक नॉन एश्योरेंस जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी को कोई एश्योरेंस नहीं देते। यस, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो नीचे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग की जो आप सर्विसेज देते हो, हाँ जो आप अकाउंटिंग की सर्विस देते हो उसमें आप किसी थर्ड पार्टी के लिए कुछ काम नहीं किया ना, आपने उस कंपनी के लिए ही काम किया, बुक कीपिंग जो होता है। ऐसे ही कंपाइलेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अलग अलग टाइप के एंगेजमेंट्स हैं जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी को कोई टाइप की एश्योरेंस नहीं देते। सो इन सब को क्लासिफाई किया गया किस में, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में। यस, एंड इन सब को बोला गया ये वाला नाम, रिलेटेड सर्विसेज। यस, एंड इसको अलग से डील किया गया। सो भाई साहब चौथे टाइप का अभी जो आपने पढ़ा,
वो है जिसमें आप किसी लेवल की एश्योरेंस नहीं देते, वो कौन सा है? वो है आपका रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें आप नो एश्योरेंस, जिसमें कोई भी एश्योरेंस आप नहीं देते, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज होती हैं सब। ओके, सो आपकी चार टाइप की सर्विसेज हो गई जो आप दे सकते हो। ओके, वापस से प्लीज इसको याद करके चलना, इसको ऐसा मत सोचना कि ये कुछ अलग ही टॉपिक है, पता नहीं क्या हो गया। सो इसका चार्ट आई गेस आपके दिमाग में बैठ चुका है, आपको ये नाम याद करने हैं, अच्छे से आपको पता होने चाहिए। एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू एंगेजमेंट्स, एक होता है अदर एश्योरेंस सर्विसेज, एक होता है आपका रिलेटेड सर्विसेज। यस, समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है। उसी का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट ध्यान से देख लो, दिखा देता हूँ। सर्विसेज है, उसमें एश्योरेंस है, एश्योरेंस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर था, एब्सोल्यूट एश्योरेंस में दे ही नहीं सकता। ये कैन क्यों लिखा हुआ है? नलैक, हाँ मैंने खुद को बोला कैन नॉट, यहाँ पे आएगा, हाँ कैन नॉट। आगे रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल होता है बट लेस देन 100% होता है। ओके, इसको हम ऑडिट बोलते हैं। ऐसे एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? रिव्यू एंगेजमेंट्स बोलते हैं, लिमिटेड रिव्यू इसमें होता है। ओके, ऐसे ही आपका एक होता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, उस पर हमने क्या कहा? अदर एश्योरेंस सर्विसेज उसको बोला, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ये हमने देखे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो एश्योरेंस होती है, जो एश्योरेंस होती है आपके इंटरनल कंट्रोल्स पे, आईसी का मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स। यस, इसके दो एग्जाम्पल्स। ऐसे ही आपकी एक नॉन एश्योरेंस सर्विस भी होती है जिसमें रिलेटेड सर्विसेज आती हैं आपकी, जिसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अब चलते हैं आगे। सो ये आपकी हो गई चार अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चा मुझे एक बात बता दो, आपने जो अकाउंटिंग की थी, क्या अकाउंटिंग पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे? थे ना, हर चीज को किसी ना किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है। आपके अकाउंटिंग में भी स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि क्या होता है अगर मैं सबको एक्सपर्ट बना दूंगा एंड कुछ आपका फ्रेमवर्क, कुछ स्टैंडर्ड्स आपके डिफाइन नहीं करूंगा, तो भाई साहब सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, सब अपनी दुनिया की अकाउंटिंग करेंगे अपने अपने हिसाब से, सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। सो 50,000 किसी ने लिखा, किसी फिक्स कैसेट के अमाउंट, उसकी जो वैल्यू है वो भी ठीक हो गया, 55 किसी ने लिखा वो भी ठीक हो गया। सो वो सब नहीं चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है आपकी अकाउंटिंग। ऐसे ही आपकी ऑडिटिंग, आपका ये जो रिव्यू एंगेजमेंट है यहाँ पे जो हमने पढ़ा, आपका ये जो अदर एश्योरेंस सर्विसेज हैं, आपका ये जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, इसको लेके भी जब आप सर्विसेज देते हो वो किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। यू हैव टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड। यस, जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यस, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या बोला जाता है? एएस बोला जाता है। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस को बोला जाता है इंड एएस। यस, सो यहां पे ऑडिटिंग को लेके जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू को लेके जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अच्छा, यहां पे वर्ड ऑन लगा हुआ है, किसी किसी बच्चे ने ये भी क्वेश्चन किया था, स्टैंडर्ड्स ऑफ नहीं होना चाहिए यहां पे, ऑन के लिखा हुआ है। बच्चा अगर आप इंग्लिश को यहां पे अप्लाई करते हो तो ऑन ही आना चाहिए। यस, क्यों आना चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसने लिखा है शॉर्ट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बट वर्ड एक्चुअली अगर ये लिखता लंबा वाला लाइन तो ये क्या लिखता? स्टैंडर्ड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। एग्जैक्टली, इंग्लिश इसकी ये बनती है। यस, सो लेकिन इसने इसको क्या किया, इसने इसको क्योंकि एक नाम देना था तो इसने इसको शॉर्ट कर दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिख दिया सीधा। समझ आया? So, इसी वजह से ऑन वर्ड है, बिकॉज ये ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग की बात कर रहा है। यस, ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट।
तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन गया, SRE। अच्छा, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये मैंने नहीं बनाए, ये ICAI के ही हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं किस पे, किस पे, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अदर एश्योरेंस सर्विसेज पे, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। यस, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ऐसे ही यहाँ पे इसको हमने क्या नाम दिया था, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज को रिलेटेड सर्विसेज, तो इसके स्टैंडर्ड्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये आपके चार अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स हो गए जो अप्लाई होते हैं। यस, अच्छा ये देखो यहाँ पे इसके नाम लिखे हुए हैं सबके सब टाइप्स के, जो आप लिख सकते हो फटाफट से। अच्छा, इससे पहले भी जब जब मैंने आपको चार्ट दिखाया है, आप उसको पॉज करके बना सकते हो। आई होप इट विल नॉट बी एन इनकन्वीनियंस टू यू। चलो आगे आ जाओ। ये पांचवें टाइप का भी मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं आपको बता दूंगा अभी, दैट्स ओके। एक हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, ऑडिट के सब्जेक्ट पे। ये स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये किस पे बना हुआ है, रिव्यू एंगेजमेंट्स के सब्जेक्ट पे। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये बना हुआ है अदर एश्योरेंस सर्विसेज पे, अदर एश्योरेंस सर्विसेज पे। ऐसे ही एक हो गया रिलेटेड सर्विसेज पे, सो ये बना हुआ है रिलेटेड सर्विसेज पे जिसमें आप कोई एश्योरेंस नहीं देते, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, अब लास्ट में ये वाला जो है ये मैं आपको बताता हूँ, अभी भी वेट कीजिए, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SASRE, SAE एंड SRS, याद करने हैं सब। हाँ, एंड इनके नंबर्स हैं अब आगे, ठीक है, इनके नंबर्स को हम देखते हैं अभी, ये क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे पहले हम आ जाते हैं इस पे पांचवें वाले पे। पांचवा क्या है, ये क्या साथ क्या हुआ है, मतलब क्या बोलना चाहता है यहाँ पे। सो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या है। देखो, आप जो है एक सीए फर्म जो है वो इन सबको देगी, इन सब सर्विसेज को देगी, किसी ना किसी को। यस, सो अब इन सब में एक जो फर्म है, फर्म लेवल पे भी एक आपको क्वालिटी एश्योर करनी चाहिए। यस, सो एक स्टैंडर्ड ऐसा बनाया फर्म लेवल पे बना दिया कि भी फर्म्स को अपने काम में, अपने ऑफिसेज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, एंड उसके हिसाब से ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो देनी है। यस, सो एक उन्होंने पांचवें टाइप का बना दिया, उसको क्या बोला, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। यस, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, SQC। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स किसके हैं, ये सब के सब शॉर्ट फॉर्म्स ICAI के हैं, अपने नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया, एंड आई होप आप इसको याद कर सकते हो। कुछ इशू आता है याद करने में मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, वो किस लिए बना है, इसीलिए तो बना है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए, एंड लेट मी नो आपको कहीं पे भी कुछ भी इशू आता है तो। ओके, आते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अब बच्चा देखो, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इसको क्या किया ना ICAI ने, इसको नंबर्स असाइन कर दिए। ICAI ने बोला कि मैं जो भी स्टैंडर्ड्स पब्लिश करूँगी, कि मैं जो भी स्टैंडर्ड्स पब्लिश करूँगी उसको मैं इस इन नंबर्स के बीच में प्लेस कर दूंगी, जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इससे आगे नहीं जाएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। यस, सो आपके जितने भी SAs हैं उसको क्लासिफाई किया। उससे पहले मैं SQC बताता हूँ। SQC की नंबरिंग उसने कहा कि भी 1 से लेके 100 के बीच में होगी, 1 से लेके 100 के बीच में होगी। अच्छा, उसके आगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लेके उसने कहा 100 से लेके 899 के बीच में होगी। हाँ, 100 से लेके 899 के बीच में होगी। उसके बाद अगला आया SRE का नंबर, उसने कहा 2000 से लेके 2699 तक इसकी नंबरिंग होगी। ओके, उसके बाद आगे SAE को उसने बोला 3000 से लेके 3699 तक होगी, एंड SRS को 4000 से लेके 4699 तक। यस, अब इसको इतना इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे क्यों रख दिया, मतलब यू नो आपका बीच में 1000 का सीरीज उसने छोड़ दिया, 1000 का जो सीरीज है सीधा 2000 पे पहुंच गया, उसके बाद सीधा 3000 पे पहुंच गया। ऑल्दो यहाँ पे उसका जो लास्ट नंबर था 2000 के बाद वो खत्म हुआ था 2699 पे, तो वो 2700 से भी चालू कर सकता था।
हाँ बच्चा देखो, एक होता है कि आईसीए ही यहाँ पे समझ गया या आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो ही यहाँ पे समझ गया कि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हाँ कि आपको एज ए सी ए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो जब भी आप देखोगे कि 300 की सीरीज का कोई स्टैंडर्ड है तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाए कि वो एश्योरेंस सर्विसेज का है। आपको 2000 का कुछ दिखे तो आप सीधा सीधा समझ जाओ कि वो किसका है, वो रिव्यू एंगेजमेंट है। आपको कुछ 4000 में दिखे, 4000 की सीरीज में कुछ दिखे तो आप सीधा सीधा समझ जाओ कि वो रिलेटेड सर्विसेज को लेके है। यस एंड आपको 1000 से कम कुछ दिखे, 100 से ऊपर दिखे तो आप सीधा सीधा समझ जाओ कि वो एस ए है। एग्जैक्टली ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि 899 -100 इज इक्वल टू हाउ मच? 799 +100 भी तो इसमें इंक्लूड हो गया ना, +1। क्या इसका मतलब है कि मेरे पास 800 ऐसे हैं जो मुझे करने हैं? पागल हो जाऊंगा मैं 800 ऐसे देख के? 800 एस एज, आर यू किडिंग मी? 800 एस एज करने हैं? नहीं भाई नहीं, 800 नहीं है। आपको ये केवल एक नंबर की सीरीज बनाई हुई है कि आपके इसके बीच में फॉल होंगे। आपके टोटल एस एज जो हैं वो है केवल 38। यस नंबरिंग कैसे की गई है? नंबरिंग कुछ ऐसे की गई है, आपको 200 बोला गया एक ऐसे, उसके बाद 210 आ गया, उसके बाद 220 आ गया, ऐसे करके आपको नंबरिंग की हुई है। इसमें बीच में अगेन कुछ स्किप किया हुआ, जैसे 280 कुछ नहीं है, 270 कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे 300 की सीरीज में कुछ आपको मिलेंगे, ऐसे 400 की सीरीज में मिलेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि आपके एसेज जो है वो इस सीरीज में फॉल होते हैं, एंड ये जो बाकी स्टैंडर्ड्स हैं वो इस सीरीज में फॉल होते हैं। एंड कितने हैं स्टैंडर्ड्स आपके? 38 है आपके एसेज, 2 हैं आपके एस आर ई, हाँ, एंड 3 है आपके एस ए ई, 2 है आपके एस आर एस, एंड 1 है आपका एस क्यू सी। टोटल मिला के दुनिया में एक ही एस क्यू सी है, टोटल मिला के दुनिया में एक ही, दो ही एस आर एस है, 3 ही एस ए ही एस ए ई है, 2 ही एस आर ई है, एंड 38 ही आपके क्या है? एस ए है। हाँ तो टोटल मिला के कितने हो गए? 46 हो गए। लेकिन उसमें से आपके सिलेबस में कितने हैं? 38 में से केवल 26 ही आपके सिलेबस में फॉल होते हैं। बाकी के जो आपके 12 हैं एस एज वो आपके सिलेबस में फॉल नहीं होते। सो आपको नहीं देखने, हाँ, उसका भी मैं आपको एक क्विज बताऊंगा जो आईसीए ने आगे जाके किया है। सो 26 ही आपके एस एज हैं जो आपके सिलेबस में फॉल होते हैं। आगे एस आर ई आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फाइनल में आएंगे। एस ए ई नहीं है, फाइनल में आएंगे। एस आर एस नहीं है, फाइनल में आएंगे। एंड एस क्यू सी है एक ही, वो आपके सिलेबस में इन्होंने डाल दिया। तो टोटल मिला के आपको 27 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो करने हैं। बहुत ही आसान, इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं है भाई साहब। ये टॉपिक सबसे आसान है, स्टैंडर्ड्स जो आपको मैं यहाँ पे सिखा के चलूंगा बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ याद होगा, सब कुछ समझ आएगा, बिलीव मी। चलते हैं। सो ये आपके हो गए 27 स्टैंडर्ड्स जो आपको अप्लाई होते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।